वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज दो वार्म अप मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा, तो वहीं दूसरे वार्म अप मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में सिलेक्ट न होने के बाद चहल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। युजवेंद्र चहल ने कहा कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, उन्हें अब इसकी आदत हो गई है और उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। क्रिस गेल, दिनेश कार्तिक और मुरली कार्तिक को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इन कट्टर प्रतिद्वंदियों ने कभी भी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे का सामना नहीं किया है और इसलिए अगर ये सच होता है तो ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े मैचों में से एक होगा। दोनों टीमें लीग स्टेज में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। रविंद्र जडेजा ने बताया है कि वो वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल अपने सीएसके के साथियों के साथ देख रहे थे। जडेजा ने कहा कि आईपीएल का अभ्यास सत्र चल रहा था लेकिन भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल रहा था, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया गया था। टीम के सभी साथी एक ही कमरे में बैठकर फाइनल मैच देख रहे थे। हम सब काफी घबराए हुए थे क्योंकि भारत ने कुछ विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन एमएस धोनी और गौतम गंभीर ने हमारे लिए मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया था। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने शनिवार को नीदरलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में हैट्रिक ली, हालांकि ये मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। घटाकर 23-23 ओवर करने के बाद भी ये मैच पूरा नहीं हो पाया, लेकिन स्टार्क ने हैट्रिक से ऑस्ट्रेलियाई फैंस को खुश कर दिया और विरोधी टीमों को ललकारा भी है। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया अच्छे फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में शनिवार को खेला जाने वाला प्रैक्टिस मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अब टीम इंडिया अपना अगला वार्म अप मैच नीदरलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 3 अक्टूबर को खेलेगी। भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में चोटिल अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को 15 सदस्यीय दल में आखिरी मोमेंट में जगह दी गई है। वहीं अब टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले दिग्गज भारतीय खिलाड़ी ने इसको संभवतः अपना अंतिम वर्ल्ड कप बोल दिया है। भारत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा।